देखिए, आप कह रही हैं कि हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन पैसों को लेकर के भी काफी लोग कॉन्शियस होते हैं। तो मेरी खबर आईटी रेट से जुड़ी हुई है, जहां पर ओडिशा में और झारखंड में आईटी रेट के बाद हड़कंप मच चुका है और पीएम मोदी ने ट्वीट करके भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को और भी ज्यादा उछाल दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिनके घर पर रेड हुई है, धीरज साहू आखिर वो है कौन? बिल्कुल, कुंडली दिखाते हैं धीरज साहू के, क्योंकि 300 करोड़ से ज्यादा अकूत खजाना जो मिला है आईटी रेड में, तो सवाल ये उठ जाता है कि सियासत के अलावा किसी कारोबार से भी जुड़े हैं, कैसे आखिरकार इतना पैसा इनके ठिकानों से बरामद हुआ है। जरा इनकी कुंडली देखिए। नोटों का अगर इतना बड़ा खजाना निकलेगा तो फिर हंगामा तो मचेगा ही। ये खजाना कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले हैं। चलिए अब आपको धीरज साहू के बारे में ज्यादा डिटेल में बताते हैं। पहले बात उनके राजनीतिक कनेक्शन की, तो धीरज साहू तीसरी बार कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। धीरज साहू संसद की कई अहम समितियों में भी रह चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर साथ दिया था। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू रांची से कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। धीरज साहू का राजनीतिक अनुभव कम और उनका बिजनेस ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले उन्होंने 2018 के राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में अपनी आमदनी और देनदारी के बारे में क्या बताया था, ये जान लीजिए। 2018 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक धीरज साहू की कुल संपत्ति करीब 35 करोड़ रुपए है। धीरज साहू पर कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज है। सोचिए, 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज जिस इंसान पर हो, उसके ठिकानों से 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। कहीं कर्ज और होता तो पता नहीं कितना कैश मिलता। चलिए अब ये जान लीजिए कि आईटी रेट को लेकर धीरज साहू ने क्या कहा। आईटी रेट पे क्या कहना चाहेंगे सर? सर 300 करोड़ की राशि इकट्ठी हुई है सर, 300 करोड़। पीएम ने भी ट्वीट करते हुए बोला है सर कि जनता का लूट के ये पैसा इकट्ठा किया गया। कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आईटी रेट पे कुछ कहना चाहेंगे? कैश मिलने पर सवाल किया गया तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए। गाड़ी में बैठे धीरज साहू चुपचाप निकल लिए। चलिए अब उनके कारोबार के बारे में जान लीजिए। धीरज साहू के परिवार का उड़ीसा में बड़ा शराब का कारोबार है। पिछले 40 साल से धीरज साहू का परिवार शराब के बिजनेस में है। धीरज साहू की कंपनी है बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसी कंपनी की साझेदारी में एक कंपनी है बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। BDPL की अन्य कंपनियां हैं क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। उड़ीसा में धीरज साहू की शराब बनाने की कई फैक्ट्रीज हैं। उड़ीसा के संबलपुर, बुलांगीर, टिटिलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में रेड डाली गई। सिर्फ उड़ीसा के बुलांगीर से ही नोटों से भरे 150 से ज्यादा बैग अब तक बैंक में जमा करवाए गए हैं। झारखंड के रांची और लोहरदगा में भी आयकर विभाग ने रेड डाली। कोलकाता में भी धीरज साहू के एक ठिकाने पर छापा पड़ा है।